नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान को लेकर के आज फरीदाबाद में सुबह 6 बजे से ही किसानों ने कई इलाकों में रोड जाम की स्थिति बना दी। वहीं फरीदाबाद के रतिया शहर में किसानों ने संजय गांधी चौक पर जाम लगाया और जहां पर चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई इलाकों में जाने वाले रास्ते को भी बंद रखा। इसके अलावा टोहाना कस्बे के गाँव कन्हड़ी में किसानों ने रोड जाम कर टोहाना से नरवाना जैन और अन्य रास्तों पर जाने वाले रास्तों पर जाम लगाया। कनड़ी गांव के अलावा किसानों ने जाखल समैन अबानी कोला सहित कई गांवों के कस्बों पर सड़कों को जाम किया। जाम लगाकर के बैठे किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता रंजीत सिंह ने ढिल्लों ने कृषि कानूनों को लेकर के यहाँ पर एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ द्वारा किसानों को चरूने के गुंडे कहने वाले बयान पर भी किसान नेता ने आग बबूला होकर के दिखाया। उन्होंने ऐलान किया कि इसमें फरीदाबाद जिले के टोहाना क्षेत्र में गांव कन्हड़ी समैन कुला और जाखल सहित कई गाँव के कस्बों में रोड जाम करके सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ किसानों को गोंडा कह रहे हैं, जबकि मैं कहता हूं कि सबसे बड़े गुंडे भाजपा के लोग हैं। भाजपा पार्टी के गुंडों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सत्ता आने के बाद भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि नारे को भाजपा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही ओपी धनखड़ है जिन्होंने अर्धनग्न होकर के पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने पर महंगाई बढ़ने का सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए थे, लेकिन आज पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये प्रति सिलेंडर होने के बावजूद भी इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की नहीं सुन रही है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन केवल किसानों की लड़ाई नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सभी ने किसानों को सहयोग किया है और सभी ने किसानों के इस भारत बंद का भी समर्थन किया है। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। वहीं रोड जाम के दौरान फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस बीमार व्यक्ति तथा परीक्षा देने वाले छात्रों को आने जाने की छूट रहेगी, लेकिन अन्य किसी वाहन को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। कल फरीदाबाद से राजेश बाबू की खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा पास किए गए तीन काले कानूनों के खिलाफ लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, तो उसके 10 महीने पूरे हो रहे हैं और अब 22 जनवरी के बाद सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमारा कोई उपसुक नहीं ली। तो हम लगातार 10 महीने से वहाँ सड़कों पर लेट रहे हैं और सरकार ने हमसे बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। तो इस विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा में ये फैसला हुआ कि इस धरने के 10 महीने पूरे होने और ये कानून पास होने के 1 साल पूरा होने पर पूरे देश में काले दिवस के तौर पर मनाया जाए और पूरे देश को पूरे भारत को जो है वो इस दिन बंद किया जाए। आ ये कहाँ आपने धरना प्रदर्शन किया और ये कहाँ को रोड जाते और कहाँ आते? ये रतिया का संजय गांधी चौक है, यहाँ से फतेहाबाद रोड, बुढ़लाडा रोड और टोहाना रोड जो मेन तीनों रोड है यहाँ पर हमने बंद कर दिए हैं। यहाँ से ये 6 बजे सुबह हमने बंद कर दिए थे और अब ये किसान मोर्चा के दिशा निर्देश के मुताबिक 4 बजे तक ये लगातार बंद है। क्या नाम रखा पता जी? जरनैल सिंह मालवाला, प्रधान खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा। तो मोर्चे की काल हैगी जो इस बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार ने 3 काले कानून बिल फोपे ने जारी किए ने किसानों से, किसानों की जमीन खोह वास्ते, मजदूरों दोजियाँ रोटियां खोह वास्ते, व्यापारियों के व्यापार ठप्प करने वास्ते। अज 10 महीने हो गए किसानों मजदूरों दिल्ली दड़कों पर बैठिया ये सरकार गूंगी बैरी जगाने वास्ते संयुक्त मोर्चे की कॉल आ सारा भारत बंद कर। मेडिकल सहूलतों छड़ के फायर ब्रिगेड न छड़ के ते जे किसी बच्चे के जरूरी पेपर ने वह रोल नंबर दिखा के टप सकता गा, एंबूलेंस टप सकती आ। ये 2-3 चीज़ों छड़ के बाकी मार्केट स्कूल अदारे सारा सिस्टम बंद आ जी। ये सारिया मार्केटा बंद ने, सारिया यूनियन दोधी यूनियन कैंटर यूनियन ट्रैक्टर यूनियन कपड़ा यूनियन वकील एसोसीएशन सारी अदारे तकरीबन बंद ने जी सारे। किस टाइम तो लैके किस टाइम तक है जी बंद? ये सुबह 6 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक कॉल है जी भारत बंद की। ये भारत बंद अज एडा सफल रहूगा, ये सरकार पूरा ये सरकार तक मैसेज जाऊगा
भी सारे किसान मजदूर व्यापारी एकजुट हो गए सड़कों के उतरे। जाम लगाया, क्या कारण है जाम लगाया? ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऊपर से आदेश आया, क्योंकि 10 महीने से हम, कल 10 महीने हो गए, दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसान लड़ाई लड़ रहे, दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के जो है कान के ऊपर जू भी नहीं रेंग रही। तो इसी आंदोलन को और तेज करने के लिए जनता की हिस्सेदारी जो है वो इस आंदोलन में और बढ़ाने के लिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया। उसी कड़ी के तहत आज टोहाना के अंदर, टोहाना हल्के के अंदर कई जगह पर जो है जाम लगाया गया, बाजार बंद होंगे, जो है रोडवेज पूरी तरह बंद है, रेलवे पूरी तरह बंद रहेगी, और यहाँ टोहाना के अंदर पक्का किसान मोर्चा, कन्नड़ी, समैन, अमाणी, कुलां, जाखल, ये सभी जगह पर जो है जाम लगा करके सड़की आवाजाही को ठप कर दिया गया। कि जो भाजपा प्रदेश है उन्होंने कहा है कि जो ये किसान या आंदोलनकारी हैं ये चढ़ूनी के गुंडे हैं, इस मामले में क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले खुद गुंडे हैं। बहुत घटनाएं ऐसी होगी जिसने साबित कर दिया। ये एक नारा लेकर आए थे, मैं उस नारे पर कटाक्ष करना चाहूंगा। नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वो नारे का जो भाव लोग लेने लग गए हैं कि बेटी पढ़ाओ और बीजेपी वालों से बचाओ, क्योंकि इन्होंने इतनी मतलब जो है हमारी बच्चियों की इज्जत लूटी है, इतनी गुंडागर्दी की है इन्होंने। ये धनखड़ा है जो हमारे को गुंडे बता रहे हैं। ये सब बैठे हैं किसान, अपनी CID भेज दे, अपना प्रशासन भेज दे, एक एक का आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे, एक एक की पहचान बता देंगे, जो सारे कांग्रेस अपने जो है किसान बैठे हैं। और ये धनखड़ 2014 से पहले ये नंगे होकर के सड़कों पर कूदते थे कि पेट्रोल जो है वो 60 रुपये हो गया, जो है इसकी डॉलर की कीमत जो है बढ़ गई। तो आज कहाँ गए? आज सिलेंडर 1000 रुपये होने जा रहा है, 900 तो लेने ही लग रहे हैं। तो ये पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं जगह जगह पर। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, चाहे वो हजार लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे वो सरसे हुआ हो, चाहे वो करनाल हुआ हो, जहाँ रोहतक हुआ हो, बीजेपी के गुंडे निक्करधारी जो है पुलिस की वर्दियां पहन के किसानों के ऊपर हमला करते हैं। ये तो यहां तक पहुंच के गुंडागर्दी करने, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब प्रशासन देख रहा है, सब दुनिया देख रही है, शांतमय तरीके से हम जाम लगा रखे हैं।